नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी डैम, अर्थ डैम, आर्क डैम, बटरेस डैम एंड बैरेजेस। ये जो डैम होते हैं ये पानी के फ्लो को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट फ़ायदे होते हैं हमें। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम नदी का बहाव रोकते हैं, उसका डाइवर्ट करते हैं उसको, या फ्लड को अवॉइड करते हैं। तो अभी देख लेते हैं इनके डिफरेंस क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है बंदा कि ये डैम कौन कौन से हैं। जो हम मोस्टली देखते हैं वो होते हैं ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम कंक्रीट के बने होते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम। अभी क्या चक्कर होता है, इसमें पानी के फ्लो को वर्टिकल डिवाइड करा जाता है कि जो भी पानी के फ्लो का जो भी प्रेशर आए उसको वर्टिकल चीज़ में डिवाइड करा जाए, उसको डाइवर्सिफाई करा जाए वर्टिकली। अभी आर्क डैम, आर्क डैम बनता है जोर्स के ऊपर। जैसे बड़े बड़े दो रॉक्स हों उसमें से एक नदी बह रही है, वहाँ पे आर्क डैम बनाया जाता है। अभी आर्क डैम की जो स्पेशलिटी होती है, ये पानी के प्रेशर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करता है। ये नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये हॉरिजॉन्टल डिवाइड करता है। अर्थ डैम, हमने अर्थ की जो सॉइल को यूज़ करके हम कहीं पे डंप कर देते हैं और पानी के फ्लो को हम रोक देते हैं, उससे बनते हैं अर्थ डैम। ये दो तरह के होते हैं, एक अर्थ डैम बोल देते हैं, एक हम बोल देते हैं रॉक फिल डैम। जहाँ पे सॉइल को फिल करके पानी को रोका जाता है उसको बोलते हैं अर्थ डैम, और जहाँ पे रॉक को फिल करके पानी को रोका जाता है वहाँ उसको बोलते हैं हम रॉक फिल डैम। ओके, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको ब्लास्ट के जरिए तोड़ा जाता है और उससे रॉक निकाल के वहाँ पे डिपॉजिट करा जाता है पानी के फ्लो को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं रॉक फिल डैम। एक होता है बटरस डैम, ये कंक्रीट डैम ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स दी जाती है अलग अलग इंटरवल के ऊपर कि पानी के प्रेशर को डिवाइड करने के लिए। ये नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये बटरस डैम। बैरेजेस, हम किसी भी नदी के जब पुल को पार करते हैं गाड़ी से या बस से, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर ना लोहे के गेट बने होते हैं। उन गेट को उठाया जाता है पानी को ज़्यादा रिलीज करने के लिए, जब बंद करा जाता है पानी के फ्लो को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं बैरेजेस। ये छोटी छोटी नदियों पर मिल जाएंगे या छोटे छोटे एरिया में आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ पानी को ज़्यादा स्टोर करने के लिए या छोड़ने के लिए, टाइम टू टाइम उसके फ्लो को देखने के लिए कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है उसके लिए हम बनाते हैं बैरेजेस। ग्रेविटी डैम, इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको ग्रेविटी डैम। यहाँ पे देखिए ये प्रेशर क्या था, पानी का प्रेशर ऐसे आ रहा है और इसको वर्टिकल डिवाइड कर रहा है। मैंने बोला ना कि कैसे पानी के प्रेशर को ग्रेविटी डैम वर्टिकली डिवाइड करता है। अगर हम नेक्स्ट पिक्चर में देखें, ये है आर्क डैम। ये आर्क की तरह स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है ऐसे आ रहा है और इसको हॉरिजॉन्टली ये डिवाइड कर रहा है। ये देखिए ऐसे प्रेशर ऐसे ऐसे डिवाइड होगा इसमें बीच में। अब देख लेते हैं बटरस डैम। ये देखिए जो स्पोर्ट्स मिल रही है ना, इनको बोलते हैं बटरस, या स्पोर्ट्स बोल देते हैं हम इनको। इसकी वजह से इसको बटरस डैम बोला जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर ऐसे आ रहा है और ये स्पोर्ट्स इसको ऐसे सपोर्ट कर रही है और पानी के प्रेशर को ये वर्टिकली डिवाइड कर रहा है। देखिए दोनों साइड से उसको सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। और ये है जो अर्थ डैम, जो सॉइल फिल डैम मैंने बोला है। देखिए सॉइल फिल, यहाँ पे हमने सॉइल को डिपॉजिट कर दिया और पानी के फ्लो को रोक दिया, पानी का प्रेशर ऐसे आ रहा है और इसका जो प्रेशर है ऐसे डिवाइड हो रहा है। और नेक्स्ट है बैरेजेस, जो मैंने बोला कि जहाँ लोहे के आपने गेट देखे होंगे जिसको उठाया जा दबाया जाता है पानी के फ्लो को रोकने के लिए, ये छोटी छोटी नदियों के ऊपर बनाया जाता है, जो होते हैं बैरेजेस। होप नाउ यू अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस होता है बिटवीन ग्रेविटी डैम, आर्क डैम, बटरेस डैम एंड बैरेजेस। थैंक यू वेरी मच।